दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर ICICI स्टामाइंस सेविंग अकाउंट में अपना जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि अगर मैंने इसमें अकाउंट ओपन करवाया तो डेबिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेकबुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर चेकबुक मिलती तो उसका पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, अगर डेबिट कार्ड मिलता तो उसका पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, पासबुक मिलेगा या नहीं मिलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट है या नहीं है, तो बहुत सारे मन में आपके डाउट रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। उससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आपकी समझ में कुछ भी आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कुछ कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं, देखेंगे वेलकम टू ICICI बैंक माइन अकाउंट, मतलब जो इंस्टामाइन अकाउंट है उसी की यहाँ पे वेबसाइट खुली हुई है, कोई अदर वेबसाइट नहीं है। इसके नीचे हम चलेंगे और नीचे चलते चलेंगे, यहाँ पर देखते कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे थे, वो क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर माइन अकाउंट, यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी है आप पढ़ सकते हो, मतलब कौन लोग यहाँ पे अपना जो इंस्टामाइन सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, 18 से 35 साल के लोग ही करवा सकते हैं। ठीक, व्हाट इज़ माइन प्लस डेबिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे चलेंगे, व्हाट इज आर फीस एंड कैशबैक ऑन माइन प्लस डेबिट कार्ड एंड माइन रेगुलर डेबिट कार्ड, आप ये भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और नीचे चलते हैं देख सकते हैं, इज पैन कार्ड मैंडेटरी ऑफ फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट, अगर इस अकाउंट को ओपन कर रहे तो आपके पास पैन कार्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है, बिना पैन कार्ड के आप ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं इंस्टामाइन सेविंग अकाउंट। ठीक, उसके बाद और सारे नीचे चलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए हाउ कैन आई फाइंड माई अकाउंट, यहाँ आप देख सकते हैं, कैन आई सेव कंटिन्यू माई एप्लीकेशन लेटर, हाउ कैन आई फंड माई अकाउंट एंड लेटर, इज माई इंफॉर्मेशन सिक्योर, हाउ मच द मैक्सिमम बैलेंस आई कैन ईप, यहाँ पे अगर मैक्सिमम बैलेंस की बात करें आपके मन में डाउट होगा कि मैक्सिमम बैलेंस में कितना रख सकते हैं, देख सकते हैं, यू कैन कीप ए मैक्सिमम बैलेंस ऑफ ₹1,00,000 इन ऑल योर लिंक डिपॉजिट अकाउंट वंस और ऑफिशियल विजिट योर UXSL कंप्लीट योर KYC KYC, जो आप वीडियो KYC कंप्लीट करा लेते हैं, जब तक वीडियो KYC नहीं कंप्लीट कराते यहाँ पे लिमिट होती है, जैसे आप वीडियो KYC कंप्लीट करा लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं, आप कितना भी पैसा यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज KYC वेरीफिकेशन, इनकी KYC वेरीफिकेशन क्या है आप उसका भी यहाँ से रीड कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे डेबिट कार्ड, यूज वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑन आई मोबाइल फॉर शॉपिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, यहाँ देख सकते हैं डेबिट कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है आपको एक डेबिट कार्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड जिसे बोलते हैं, जहाँ से आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट शायद मिल जाता है, वो तो आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा वर्चुअल डेबिट कार्ड। और वहाँ पे अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड कैन बी एक्सेस ऑन आई मोबाइल इमिजिएटली पोस्ट अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पे अकाउंट ओपन होता तो वैसे ही आपको, अगर फिजिकल डेबिट कार्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इज सेंड टू यू थ्रू कोरियर एंड इट रीच विद इन 7 days ऑफ अकाउंट ओपनिंग, मतलब इंस्टामाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद अगर फिजिकल कार्ड अप्लाई करते हैं तो 7 दिन के अंदर आपके घर पे फिजिकल कार्ड पहुँचता है। मैंने आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग, पिछली वीडियो मैंने अनबॉक्सिंग भी बताई थी, कैसे अप्लाई करते वो भी मैंने बताया था आपको। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं जनरेट योर डेबिट कार्ड पिन डिजिटली थ्रू मोबाइल आई मोबाइल सर्विस कार्ड पिन सर्विस डेबिट कार्ड पिन जनरेट, यहाँ पे आप अपना जो आई मोबाइल के थ्रू अपना पिन कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेल आई गेट ए चेक बुक आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट, यहाँ देख सकते हैं कब हमें चेक मिलेगा, चेक बुक कब मिलेगी, यस योर चेक बुक विल बी डिस्पैच टू योर कम्युनिकेशन एड्रेस, हमने आपको बताया था कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपने वहाँ पे फीड किया है उसी कम्युनिकेशन एड्रेस में आफ्टर सक्सेस KYC वेरीफिकेशन बाई और सेल ऑफिसर, यहाँ पे जो उनके सेल्स ऑफिसर होते हैं अगर उनके द्वारा आपकी eKYC जो कंप्लीट कर दी गई, मतलब वीडियो KYC कंप्लीट कर ली गई है तभी आपको यहाँ पे चेकबुक मिलने वाली है, उससे पहले आपको यहाँ पे चेकबुक नहीं मिलने वाली, आपने ये क्लियर कर लिया। देन इज देयर ए फीस इफ आई विदड्रॉ फंड एंड माई सेविंग अकाउंट, आप ये देख सकते हैं जो मैं मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ,
व्हाट आर द चार्जेस फॉर चेकबुक। अब यहाँ पे लोगों के मन में है कि चेकबुक के चार्ज तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे चेकबुक के चार्ज नहीं लगने वाला है, जितनी यहाँ देख सकते नील फॉर 20 पेएबल एट पर चेक लिव इन वन ईयर, तो यहाँ पे बहुत हो जाता है। अगर इसके ऊपर लेते हैं तो आपको RS 20 रुपया यहाँ पे 10 लिव्स का देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं व्हाट आर चार्जेस ऑफ डीमैट डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। व्हाट आर द कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस एप्लीकेबल फॉर अकाउंट, आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद तभी आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन कराना है, पता लगे जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल नहीं हो रही, फिर भी आप इसमें इंस्टामाइंड सेविंग अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया, तो उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला दोस्तों। देन यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ दियर फ्री ATM विदड्रॉ लिमिट, यहाँ पे 5 फ्री ATM विदड्रॉ लिमिट है एनी बैंक ATM एवरी मंथ, मतलब एक मंथ में आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी भी बैंक से, आपका यहाँ पे कोई भी रुपया नहीं लगने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं इज़ दियर ए वैल्यू एडेड SMS अलर्ट फैकल्टी, इसमें SMS अलर्ट फैकल्टीज भी ऐड किया गया है, जिसमें आपको 15 रुपये पर क्वार्टरली देने होते हैं, आप ये भी आप समझ गए होंगे। व्हाट आर द एनुअल फीस ऑफ डेबिट कार्ड अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे आपने सब समझ लिया। ठीक, आपको लास्ट में बता दूँ कि ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में था कि अभी अकाउंट खोल लेंगे बाद में हम अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। आपको यहाँ पे अगर अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, कोई भी अकाउंट में अगर एक भी पैसा मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तब भी आपको चार्जेस नहीं लगने वाला है। दोस्तों आशा करता हूँ अपने इंस्टा माइंड सेविंग अकाउंट की बहुत सारे जो आपके मन के सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जा करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।